सीरियल कयामत की रात में राघव खो बैठे हैं अपनी सुध बुध, संजना के जाल में खींचे चले जा रहे हैं राघव। वहीं राघव पर वैदेही की है पूरी नजर, लेकिन राघव के साथ वैदेही की बढ़ती नजदीकियां संजना को नहीं है पसंद। क्या है पूरा माजरा, चलिए देखते हैं। जहां जहां संजना, वहां वहां राघव। सीरियल कयामत की रात में संजना के माया जाल में फंसते जा रहे हैं राघव। संजना राघव को इस कदर अपने वश में कर चुकी है कि राघव संजना के पीछे पीछे जंगल में खींचे चले जा रहे हैं, क्योंकि राघव को संजना से बात करने की बेचैनी है। कब से मिलना चाह रहा हूँ तुमसे। संजना राघव को अपने साथ जंगल में ले जा रही है, तो वैदेही भी राघव का पीछा करते हुए वहीं पहुंच जाती है। वैदेही को देख संजना तो वहां से गायब हो जाती है, लेकिन राघव के साथ वैदेही की नजदीकी संजना को बर्दाश्त नहीं। संजना वैदेही को मारने के लिए पेड़ की एक मोटी डाल उन पर गिरा देती है, लेकिन ये डाल राघव और संजना को और करीब ले आती है। हालांकि वैदेही राघव पर एक बार फिर भड़क जाती है और गुस्से में जंगल से चली जाती है। राघव क्या है, हाँ रात को ये सब क्या चल रहा है? अब तुम फिर से कहाँ जा रहे हो? मैं कब से तुम्हें आवाज दे रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। अब ये कौन सा नया ड्रामा है? इस गांव में तुम फिर से किसे मिलने जा रहे हो? राघव कौन है वहाँ? चलिए संजना के पास चलते हैं और जानते हैं कि आज वो राघव को अपने साथ कहाँ ले जा रही थी। राघव को मैं लेके जा रही हूँ कहाँ, मतलब अलग सी दुनिया में। तो अभी आप ऑलरेडी देख रहे हैं इतना कुछ हो रहा है, लेकिन बीच में वैदेही आके सारा कुछ खराब कर दे रही है, हमारी लव स्टोरी खराब कर दे रही है वैदेही। तो अभी वैदेही को खत्म करना है, तो उसके लिए मैं अभी कुछ नया प्लान करने वाली हूँ, तो आप जल्दी देखेंगे क्या करने वाली हूँ। वैसे संजना हमें तो लव एंगल में ट्राइंगल दिख रहा है, क्योंकि आपकी ये जलन इशारा कर रही है कि आपको राघव से प्यार होने लगा है। हाँ बिल्कुल, ये लव स्टोरी दिखाने के लिए, तो मतलब मैं एक्चुअली एंड में पता चलेगा कि मैं राघव से प्यार करती हूँ। मेरा 25 साल का वो इंतजार है, उसके चक्कर में, उसको हासिल करने के चक्कर में मैं ये सब पूरा ड्रामा कर रही हूँ। संजना लेकिन सवाल ये है कि आप जंगल से भाग क्यों गई थी? हाँ मैं बनाती हूँ, लेकिन तब तक गुरुजी दिख जाते हैं, और गुरुजी क्योंकि भगवान के भक्त हैं और चुड़ैल भगवान से दूर रहती है, चुड़ैल और भगवान का ऑफकोर्स आमना सामना नहीं हो सकता, क्योंकि चुड़ैल डरती है जिसके पास भगवान होता है, तो वापस वो भाग के अपने हवेली जाना चाहती है जहाँ पे वो सेफ है, नहीं तो वो गुरु मार देगा चुड़ैल को और फिर कहानी खत्म। 25 साल से संजना राघव का इंतजार कर रही है, ठीक वैसे ही जैसे पिछले जन्म में कालासुर को गौरी का इंतजार था। कालासुर का खेल तो खत्म हो गया, लेकिन संजना का खेल तो अभी शुरू ही हुआ है। देखना ये है कि आगे कौन कौन से ट्विस्ट आएंगे। मुंबई से जारा खान की रिपोर्ट, E24।